हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में मैं क्लास सिक्स इंग्लिश के सेशन एंडिंग एग्जाम 2022 23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ एंड दिस इज द पार्ट वन वीडियो पेपर को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सजेशन है कि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये रियल पेपर है एक्चुअल पेपर है इसी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं है ये सैम्पल पेपर है आपके पेपर का पैटर्न है आपकी बुक से बना हुआ है इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट हंड्रेड नहीं मेरा सजेशन है कि आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और इस वीडियो को देखिए जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके क्लास सिक्स इंग्लिश सबसे पहले है रीडिंग स्किल क्वेश्चन नंबर वन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स लाइफ विदाउट न्यूज़ पेपर इज़ आ वेस्ट न्यूज़ पेपर्स ब्रिंग्स अस न्यूज़ एंड वेरियस फ्राम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एनी इंसिडेंट्स ऑफ ऑफ अक्यमेंस दैट टेक प्लेस इन रिपोर्टेड बाई द न्यूज़ पेपर द वर्ल्ड न्यूज़ इज़ इंटरप्रिटेड एज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ यहाँ पर मैं पूरे पैसेज को रीड नहीं कर रही हूँ इस पैसेज में ये बताया गया है कि न्यूज़पेपर क्या है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेश्स को पब्लिश किया जाता है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है या आप उससे किस तरह से नॉलेज को गेन कर सकते हैं आपको जो भी पैसेज मिलेगा उसे अच्छी तरह से रीड करिएगा और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा पैसेज को रीड करते समय अगर आपको कोई वर्ड नया सा टिपिकल सा लग रहा है तो उसे अंडरलाइन करिएगा जैसे यहाँ पर जर्नलिस्ट लिखा हुआ है इस तरह के वर्ड से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन द वन हु ड्रीम्स ऑफ बींग ब्लैंक स्पेस शुड नॉट स्पेयर अ डे विदाउट रीडिंग द न्यूज़ वो इंसान जो बनना चाहता है उसे एक भी दिन बिना न्यूज़पेपर पढ़े नहीं गुजारना चाहिए ऑप्शन है डांसर क्रिकेटर जर्नलिस्ट और सिंगर अभी मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन करवाया था इसे देखिए द वन हु ड्रीम्स ऑफ अ जर्नलिस्ट शुड नॉट स्पेयर अ डे विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट की मीनिंग होती है पत्रकार इसी तरह से पैसेज में क्वेश्चन को सर्च करिएगा और उसके बाद आंसर लिखेगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट सेकेंड क्वेश्चन है न्यूज़पेपर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सम ऑफ पब्लिश्ड एवरी डे दैट आर कॉल्ड ऑप्शन इज वीकली फोर्थ नाइटली मंथली और डेलीज तो यहाँ पर एवरी डे की बात हो रही है इसलिए आंसर हो जाएगा डेलीज क्वेश्चन नंबर थ्री टू मास्टर इन करेंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज वन शुड रीड द डैश पेजेस ऑप्शन है ओपन पेज ऑप्शन बी एडिटोरियल पेज ऑप्शन थ्री फर्स्ट पेज और ऑप्शन फोर स्पोर्ट पेज करेक्ट आंसर बी एडिटोरियल पेज यहाँ पर आंसर मैंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने पैसेज को रीड किया है आपको पैसेज को रीड करने के बाद ये आंसर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ आर इंटरप्रेटेड एज ए नियर बी न्यूज़ सी नेक एंड डी इज़ नीट इसका करेक्ट आंसर है न्यूज़ क्वेश्चन नंबर फाइव पिक द वर्ड विच मीन्स वन हु बाई गुड्स फ्राम आर शॉप ऑप्शन इज कस्टमर बी एडिटर सी जर्नलिस्ट एंड डी इज राइटर करेक्ट ऑप्शन इज ए कस्टमर क्वेश्चन नंबर सिक्स न्यूज़ पेपर ब्रिंग्स अस न्यूज़ एंड व्यूज फॉर ऑल कॉर्नर्स ऑफ द यानी न्यूज़ पेपर किसके सभी कॉर्नर से व्यूज और न्यूज़ लेकर के आता है ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑप्शन बी सिटी ऑप्शन सी टाउन एंड ऑप्शन डी इज कंट्री करेक्ट आंसर है वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर सेवन न्यूज़ पेपर ब्लैंक विच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स न्यूज़ पेपर क्या पब्लिश करता है जिससे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या उसका अटेंशन उस तरफ जाता है नंबर वन गेम नंबर बी एडवर्टाइजमेंट नंबर सी सॉन्ग्स एंड नंबर डी इज़ ओनली न्यूज़ इसका करेक्ट आंसर है बी एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन नंबर एट विच काइंड ऑफ न्यूज़ डज द न्यूज़पेपर प्रिंट न्यूज़पेपर किस तरह की न्यूज़ को प्रिंट करता है नंबर वन पॉलिटिकल नंबर बी सोशल नंबर सी स्पोर्ट्स या फिर ऑल टाइप्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑल टाइप्स क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अवेयर अवेयर की मीनिंग क्या है ए नॉलेज बी वाइज सी नोइंग अबाउट और डी फूल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है नोइंग अबाउट क्वेश्चन नंबर टेन प्लूरल ऑफ ड्रीम ड्रीम का प्लूरल बताना है नंबर ए ड्रीम्स नंबर बी ड्रीम्स नंबर सी ड्रीम्स डबल एस लगा हुआ है सिंगल एस लगा हुआ है ई e एस लगा हुआ है और ड्रीम लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर है बी क्योंकि केवल एस लगाने से ड्रीम का प्लूरल बन जाता है क्वेश्चन नंबर टू रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज़ पार्टिकुलरली आलमंडस्कॉट यूनिक प्रॉपर्टी टू रिमूव ब्रेन वीकनेस एंड स्ट्रेंथन इट आलमंड प्रिवेंट दिटैलिटी ऑफ द ब्रेन्स इसी तरह का जो भी पैसेज आपके पेपर में होगा उसे अच्छी तरह से रीड करिएगा और उसमें दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करिएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल बिकॉज दे फर्स्ट स्ट्रेंथन आवर हार्ट बी क्योर वेरियस डिजीज ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज सी गिव कॉन्फिडेंस टू अस एंड डी इज एम्पावर हज टू डू चैलेंजेस टास्क इसका करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच वन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रिजर्व द विटलिटी ऑफ द ब्रेन सेकेंड इट स्टेंथेन द मसल्स सी इट डिस्ट्रॉय डिजीजेज ओरिजिनेटेड फ्राम नर्वस एंड बिलियस डिसऑर्डर्स एंड डी इज इट ओनली स्टेंथेन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री फास्फोरिक एलिमेंट इज इस फाउंड इन प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यानी ये एलिमेंट किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंसर है ए आलमंड फिक्स ग्रैप्स डेट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस क्वेश्चन नंबर फोर ब्रेन वर्कर्स शुड टेक फ्रूट्स रिच इन फास्फोरिक एलिमेंट्स बिकॉज ब्रेन ऑप्शन है दे रिमूव ब्रेन वीकनेस करेक्ट है बी दे न्यूरिश द वाइटल इशू ऑफ द बॉडी ये भी करेक्ट है और सी है दे कीप द माइंड फुल ऑफ एंथीशियम ये भी करेक्ट है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फाइव द वर्ड यूनिक मीन्स द सेम एज यूनिक का मतलब किसकी तरह है ऑर्डनरी की तरह नोन की तरह अनयूजल की तरह या फिर अनअवेयर की तरह इसकी मीनिंग सेम है अनयूजअल की तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट एनी टू ऑफ द ड्राई फ्रूट्स मेन्शनड इन द पैसेज पैसेज में मेन्शन इन्हीं दो तो ड्राई फ्रूट्स के नेम लिखना है इसका आंसर है आलमंड एंड वॉलट क्वेश्चन नंबर सेवन विच ड्राई फ्रूट्स पॉजेजेज वंडरफुल क्वालिटी ड्यूरिंग ब्रेन वीकनेस इसका आंसर है वॉल्ट राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पोर्शन क्वेश्चन नंबर थ्री यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल इन द स्कूल्स प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रेसिस ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन नॉट मोर देन सिक्सटी वर्ड्स गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स नोटिस का फॉर्मेट कुछ इस तरह का आप बनाएंगे सेंटर में डेट लिखेंगे नोटिस स्कूल का नेम और जिस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखनी है उसे भी सेंटर में लिखेंगे उसके बाद पूरा मैटर लिखेंगे और लास्ट में अपना नेम क्लास और सेक्शन इट इज़ टू इंफॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई वाटर बॉटल इन द स्कूल्स प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रेसेस द वाटर बॉटल इज रेड इन कलर एंड ऑफ मिल्टन कंपनी इफ़ एनी वन फाउंड इट प्लीज हैंड ओवर इट टू मी आई विल रियली अप्रीशिएट हिम और हर इसके बाद अपना नेम क्लास और सेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम इन योर बर्थडे पार्टी या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर में सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेगा उसके बाद डेट लिखेगा माई बी लव्ड फ्रेंड का नेम एज यू आर अवेयर दैट ऑन ट्वेंटी एथ ऑफ़ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज़ माई बर्थडे आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स द वेन्यू फॉर माई बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी इज़ माई रेजिडेंस यहाँ पर रेजिडेंस टू भी एड्रेस है वो लिखेगा एंड द पार्टी विल बिगिनस एट नाइन पी एम आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कैन जॉयन एस फॉर द पार्टी आई होप यू विल अटेंड द इवेंट्स योर और उसके बाद अपना नाम क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शनल क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन सिक्सटी आर एटी वर्स नंबर वन माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन और नंबर बी माई मदर फर्स्ट टॉपिक है माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन यहाँ पे मैंने विराट कोहली के बारे में डिस्कस किया है आप अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन के बारे में लिख सकते हैं माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सनैलिटी इज़ विराट कोहली विराट कोहली इज़ एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर ही इज़ काउंटेन एमंगेस्ट द टॉप स्पोर्ट मैन इन इंडिया विराट कोहली इज़ एन इंस्परेशन एंड अ रोल मॉडल ऑफ द यूथ टूडे वी हैव सीन हिज़ ग्रोइंग मैचोरिटी हिज़ कंसिस्टेंसी एंड हिज लीडरशिप एबिलिटीज़ विराट कोहली इज़ कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ओ डी आई एंड टेस्ट ही इज़ राइट हैंडेड बैट्समैन विराट कोहली इज़ अ वेरी नाइस कैप्टन ही हैज़ गुड लीडरशिप स्किल ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेन इट कम्स टू क्रिकेट विराट कोहली ऑल्सो नोन एज द रन मशीन हिज निक नेम इ चीकू सेकेंड पैराग्राफ है माई मदर तो में से किसी एक पैराग्राफ को आपको लिखना है माई मदर्स नेम इज अनिता आपकी मदर का जो भी नाम है यहाँ पर लिखेगा एंड शी हैज़ बीन अ वंडरफुल टीचर्स इन माई लाइफ शी हैज़ नेवर हैजिटेटेड टू लव मी शी टेक्स फुल केयर ऑफ़ मी एलोंग विथ माई स्टडीज डीप इन माई हार्ट आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड लव फॉर माई मदर्स शी टेक केयर्स ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर्स वाइजली द लेडी हैज़ ऑलवेज वीन माई सपोर्टर ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ हर विजडम एंड ग्रेटनेस इनक्रेज मी टू ट्रीट माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स मेट्स विथ जेंटलनेस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल में जो भी लेटर्स या फिर पैराग्राफ आपके रिटर्न वर्क में करवाए गए हैं उन्हें ज़रूर लर्न करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन प्रपोजिशन है ऑन ऑफ और बाई जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है क्वेश्चन है नफीसा इज आफ्रेड स्पाइडर यहाँ पर आपको फिल करना है ऑफ़ कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर सेकेंड सिक्स क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल नाउन फर्स्ट है आ डैश आफ फ्लावर यहाँ पर आंसर होगा बुके आ बुके आ फ्लावर और सेकेंड है आ डैश ऑफ स्टिक्स इसका आंसर होगा बंडल अ बंडल ऑफ स्टिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन राइट द एट्स ऑफ फॉरगेट फॉरगेट का मतलब है भूल जाना इसका अपोजिट होगा रिमेंबर यानी याद रखना क्वेश्चन नंबर एट इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वेश्चन है विजय इज़ डैश देन रमेश यहाँ पर दो में आपस में कंपेरिजन हो रहा है और यहाँ पे लिखा है टॉल इसलिए इसका सुटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा टॉलर सेकेंड है अक्षय इज द डैश एमंग ऑल यानी यहाँ पर दो से ज़्यादा के बारे में बातें हो रही हैं और एडजेक्टिव लिखा हुआ है यंग तो यहाँ पर हो जाएगा यंगेस्ट यानी अक्षय सभी में सबसे यंगेस्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ चॉप चॉप का राइमिंग वर्ड बताना है इसका राइमिंग वर्ड है शॉप आप कोई दूसरा भी राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट वन वीडियो पार्ट टू वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है